ऑन टू माई यूट्यूब चैनल सिनर्जी एट मोदी केयर। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी वो प्रोडक्ट है एसेंशियल रेंज का, ये इंटेंसिव फुट केयर क्रीम। जी हाँ, ये है पैरों की क्रीम। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने फेस स्किन का तो बहुत ख्याल रख लेते हैं, अपनी जो है बॉडी अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका भी बहुत ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हम पैरों को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जबकि पैर जो है हमारे पूरे शरीर का वजन उठाते हैं। हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम जो है पूरे दिन अगर खड़े रहते हैं तो अपने पैरों के वजन पे खड़े रहते हैं, और फिर भी हम जो है अपने पैरों की जो केयर करना है वो भूल जाते हैं। तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने फेस स्किन का ध्यान रखते हैं उसी तरीके से हमें अपना पैरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है फॉर द फुट केयर। किस तरह से बेहतरीन है, किस तरह से दूसरे मार्केट प्रोडक्ट्स के ये बेहतरीन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक ताकि आपको इसकी अच्छे से पूरे तरीके से जानकारी मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही मैं नए नए जो है वीडियो अपलोड करूं मोदी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको वो सारी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो तुरंत जो है उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे आपको मिल जाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो आई वॉज टेलिंग यू कि ये है इंटेंसिव फुट केयर क्रीम। ये किस तरह से जो है दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है, मैंने क्या डिफरेंस फील किया, वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कोकम बटर। अब कोकम बटर क्या करता है, कोकम बटर का काम है कि वो आपकी स्किन को इमिजिएटली बहुत ज़्यादा सुपर हाइड्रेटेड, सुपर मॉइस्चराइज्ड कर देता है। जबकि दूसरे जो क्रीम्स होती हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट ना होने की वजह से वो मॉइस्चराइजेशन तो कर देता है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं कर पाता जितने आपके पैरों की आवश्यकता होती है। तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, वो आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस कोई भी फुट क्रीम में जो है कोकम बटर होना चाहिए। मैंने अभी तक जो पॉपुलर फुट क्रीम यूज़ करी थी मार्केट में, मुझे ये कोकम बटर जो है अलग से लेना पड़ता था, ऊपर से लगाना पड़ता था, बट किसी भी फुट केयर क्रीम में नहीं मिला, लेकिन इसमें वो चीज़ अवेलेबल है। नाउ इसका सेकेंड सुपर इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल क्या करता है, जो भी हमारी जो स्किन होती है पैरों की, क्योंकि एज कम्पेयर टू आर फेस स्किन वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए उसको केयर भी जो है थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर उसमें ऑलिव ऑयल है किसी भी क्रीम में तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ जो भी आपकी हील्स में या पैरों में जो है क्रैक्स हैं या जो यू नो रफनेस आ गई है या लाइंस आ गई हैं तो वो उसको भी जो है फिल करने का बहुत अच्छे से काम करता है। ये बहुत अच्छे से पैरों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें अरोमा ऑयल्स भी है जो कि बहुत अच्छी खुशबू देता है, और अरोमा ऑयल से क्या होता है कि अगेन ये सुपर मॉइस्चराइज बहुत अच्छे तरीके से करता है, जो काम अकेला कोकम बटर कर सकता है तो उसकी ये जो एफिशिएंसी है वो डबल वे में बढ़ा देता है अगर उसके अंदर अरोमा ऑयल्स भी है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है इसका दैट इज टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल हमारे मोदी केयर की रेंज में भी अवेलेबल है, अगर आप उसको सेपरेट यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इस फुट केयर क्रीम के अंदर ये ऑलरेडी मिला हुआ है तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलाने की जरूरत नहीं है। बट आप उसको एक्स्ट्रा किस तरह से मिला सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में देने वाली हूँ। बट इसमें जो है टी ट्री ऑयल जो है ऑलरेडी मिक्स्ड है। तो टी ट्री ऑयल क्या होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, तो किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है वो आपके पैरों में ये नहीं आने देता है। अभी जैसे कि बारिश का सीजन चल रहा है तो हम जब भी बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो थोड़े बहुत बारिश की वजह से हमारे पैर गीले हो सकते हैं, तो उसमें गंदगी जम सकती है बिटवीन द टोज, तो वो पंजों में आपके जो है गंदगी ना रहे। तो उसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट जो है ज़रूर इस्तेमाल करें अपने पैरों पे, ताकि आपके पैरों में कभी कोई फंगस ना आए, कभी कोई बैक्टीरिया ना लगे। अगर आप इसको एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं अपने पैरों के लिए। और नेक्स्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़
क्लोव ऑयल मतलब कि लौंग का तेल, जो कि काफ़ी सूदिंग रहता है स्किन के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो भी आपकी हील्स में क्रैक्स पड़े होते हैं, ये इनको बहुत सुपर स्पीड से यू नो रिपेयर कर देता है। काफ़ी लोगों के पैर बहुत ज़्यादा फट गए होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। सर्दियों के टाइम तो ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली टू द लेडीज, क्योंकि वो किचन में भी काम कर रही हैं, दौड़ रही हैं पूरे दिन घर में, और वो सॉक्स भी नहीं पहनती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है घरेलू काम करते वक्त। तो उस टाइम भी ये लगाना तो बहुत ही कंपल्सरी हो जाता है लेडीज़ के लिए। अगर आप इसको दो टाइम अप्लाई करते हैं, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपकी ये जो समस्या है कि आपकी फटी हुई एरिया हो जाती हैं स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो आपकी वो समस्या भी छूमंतर होने वाली है। I'm sure guys, once you use it, आपको खुद ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ जो मैं कह रही हूँ ऐसा होगा। यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर फीट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस फुट क्रीम में हैं, और मेरा जहाँ तक मानना है और मेरी जहाँ तक जानकारी है, अभी तक मैंने जितने भी फुट केयर क्रीम जो है यूज़ करी, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स जो है उस क्रीम में अवेलेबल हो पाते हैं, जबकि इस क्रीम में मैंने देखा है कि ये सारे जो है इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। दैट इज़ वाई ये मार्केट के दूसरी क्रीम से मच मच बेटर है, और इसके रिजल्ट भी बहुत बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। इसकी क्वांटिटी है 100 ml। इसमें दो तरह के जो है साइजेस अवेलेबल हैं, वन इज ऑफ 100 ml एंड सेकेंड इज ऑफ 200 ml। मैंने ये 100 ml की ट्यूब ले रखी है, और ये कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है पर्पल कलर की। मुझे तो इसकी ट्यूब भी बहुत यू नो देखने में अच्छी लगती है, और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि अगर कोई चीज़ दिखने में प्रेजेंटेशन में अच्छी हो तो ऑब्वियसली दैट अट्रैक्ट्स मी इवन मच मोर टूवर्ड्स इट। और इसकी जो प्राइसिंग है दैट इज MRP 225 rupees, और अगर आप मोदी के कंसल्टेंट हैं तो डेफिनेटली आपको ये कुछ 190 rupees के आसपास पड़ती है। तो आपको हमेशा मोदी के प्रोडक्ट्स जो हैं डिस्काउंटेड प्राइस में पड़ते हैं अगर आप मोदी के कंसल्टेंट हैं। अब मोदी के कंसल्टेंट कैसे बनते हैं, कैसे बन सकते हैं, अगर आपको उसके विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, या आप मुझे जो है मेरी जो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन है वहाँ पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं, और मेरी जो टीम है दे विल गेट बैक टू यू। वो आपको गाइड करेगी कि आप मोदी के कंसल्टेंट किस तरह से बन सकते हैं, या अगर आपको डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आपको कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं, वो भी मेरी टीम आपको गाइड कर सकती है। तो ये था रिव्यू अबाउट दिस क्रीम कि मुझे किस तरीके से लगी और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इसका यूसेज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट ले लेते हैं लेकिन उसको कंसिस्टेंटली और अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड आपके लिए नहीं होने वाला है। तो अगर आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहा है, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा कंसिस्टेंसी कि लगातार जिस वे में उसको यूज़ करना चाहिए, जितनी बार यूज़ करना चाहिए आप वो कर रहे हैं या नहीं। तो अब मैं आपको इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगी, मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। इनफैक्ट अगर आप पहला तरीका कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर आप पहला तरीका अडॉप्ट करते हैं तो उसमें तो आपको एक हफ्ते में ही जो है ड्रास्टिक चेंजेस अपने फीट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बाय चांस अगर किसी कारण से आप पहला तरीका अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो सेकंड तरीका भी करेंगे तो भी उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें 15 दिन या 20 दिन रिजल्ट मिलने में आपको लग जाए। तो पहला तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि आपने एक टब में जो है ल्यूक वॉर्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी जितना आप बेयर कर सकते हैं उतना आप ले लीजिए, और उसमें जो अपना सोप वॉश जेल आता है मोदी केयर का उसमें जो है थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, जैसे कि हम पेडिक्योर के टाइम करते हैं यू नो शैम्पू मिला लेते हैं या सोप मिला लेते हैं। तो मैं कोई हार्श शैम्पू आपको नहीं बोल रही हूँ, आप अपना जो सोप वॉश जो है आता है जेल वो आप डाल लीजिए, लिक्विड जो सोप आता है वो आप डाल लीजिए 2-3 pumps। एंड जब आप 2-3 pumps डालेंगे तो उसमें 2-3 drops ऑफ टी ट्री ऑयल भी डाल लीजिए। यस, यहाँ पे आपको टी ट्री ऑयल यूज करना है। इसमें ऑलरेडी जो है टी ट्री ऑयल मिक्स्ड है,
तो अगर आप नहीं भी करना चाहें तो दैट इज एन ऑप्शनल थिंग फॉर यू, लेकिन मैं उन लोगों के लिए तरीका बता रही हूँ जिनकी की जिन लोगों की एड़ियाँ ज़्यादा फटी हुई हैं, ज़्यादा क्रैक्ड हील्स हो चुकी हैं, तो जल्दी से रिजल्ट पाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप टी ट्री ऑयल की भी 3 to 4 drops जो है मिक्स कर दें, और उस पानी में जिसमें आपने ये सोप वॉश लिक्विड सोप और टी ट्री ऑयल मिलाया है गुनगुने पानी में, उस पानी में आप अबाउट 10 मिनट जो है अपने फीट को सोप करके रखें, भिगो के रखें, और जब 10 मिनट में आपका जो है पैर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद आप उसको अच्छे से जो है तौलिए से पोंछ लीजिए, और उसके बाद जो है ये फुट केयर क्रीम अप्लाई करें। और इस तरीके से अगर आप इसको एटलीस्ट 1 वीक करते हैं तो आपको 1 वीक के बाद ही इसके रिजल्ट जो है दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसको उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ यू नो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करना चाहते हैं, जो रिजल्ट आपको मिले हैं उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो ही एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे जो एफर्ट्स आपको उस रिजल्ट पाने में लगे हैं, विच मीन्स कि आपको ये जो है स्ट्रैटेजी, ये जो तरीका है, ये जो वे है, वो आपको कॉन्टिन्यूसली एवरीडे बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था पहला तरीका, अगर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। सो और जो सेकेंड वे है, जो सेकेंड तरीका है, जो बहुत ही सिंपल है कि आप जस्ट एक गुनगुना पानी लीजिए टब में, उसमें 10 मिनट जो है अपने पैरों को भिगो के रखिए, इसमें टी ट्री ऑयल या आप कोई भी साबुन का जो लिक्विड है वो मिलाना नहीं है। सो दोज टू इंग्रेडिएंट्स बिकम ऑप्शनल इन द सेकेंड वे। उसमें सिर्फ आप गर्म पानी में अपना पैर भिगो के रखिए, 10 मिनट भिगोने के बाद आप उसको अच्छे से तौलिए से पोंछ लीजिए, और उसके बाद ही क्रीम अपने पैरों में अप्लाई करिए। इस सेकेंड वे से भी आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, बट थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है इसके रिजल्ट दिखने में आपको 15 से 20 दिन मिनिमम लग जाए, डिपेंडिंग कि आपकी फीट की कंडीशन पहले कितनी खराब या कितनी अच्छी है। तो ये थे दो तरीके जिस वे में आप इसको अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जिस तरह से आप अपने फेस के लिए क्रीम लगाते हैं, बॉडी के लिए लोशन लगाते हैं, उसी तरह से स्पेशली आप अगर ये इंटेंसिव फुट केयर क्रीम यूज करें तो आपके पैरों की ये बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, आपके पैर हमेशा सुंदर और मुलायम रहने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक का बटन जरूर दबाएं, और मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, ताकि मैं और सारे लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में सक्सेसफुल हो सकूँ। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस के साथ इस चैनल के बारे में शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ ऑफ मोदी केयर, तो आप मुझे वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट बाय शेयरिंग माय इन्फॉर्मेशन, माय नॉलेज, व्हाट एवर आई हैव ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगी आप सभी से अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। बाय बाय।